तो सुनने में ये आ रहा है कि क्रिश 4 आने वाली है। क्रिश है रेडी है स्क्रिप्ट वाइज। तो आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं क्रिश 4 का पोस्टर दोबारा से। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी एक बार पोस्टर बना चुका हूं, लेकिन इस बार हम अलग स्टाइल के अंदर बनाने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर मेरे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग और यूट्यूब से रिलेटेड। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली इमेज का हम यूज करने वाले हैं, यानी ये वाले पोस्ट के अंदर हम क्रिश 4 का पोस्टर को पूरा डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे रफली रफली कट कर रहा हूँ पेन टूल से। तो ये गन वाला पार्ट तो हमें नहीं चाहिए, ऑब्वियसली क्रिश हाथ में गन लेके भागेगा तो मतलब पावर्स का क्या ही करना है, तो ये सब नहीं चाहिए। नीचे वाला हाथ इतना दिखेगा भी नहीं क्योंकि वो केप वाला पार्ट उसे ढक लेगा। हालांकि यहाँ पर जो पैंट वगैरह आप देख रहे हैं मैं उसको कट कर रहा हूँ ताकि मेरे को ये याद रहे कि इसके ओरिजिनल लेग्स किस तरफ है, यानी पैंट के अंदर कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम टेक्सचर लगाने वाले हैं ताकि ऐसा लगे कि भैया ये पैंट इतनी ढीली नहीं है, मतलब कॉस्ट्यूम जैसा दिखना चाहिए वैसा कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ब्रश से सिंपली इरेज कर रहा हूँ, और जो फेस के लिए इमेज यूज करने वाला हूँ वो ये वाली है। हालांकि इसके ऊपर वाटर मार्क है, लेकिन हमें जो फेस का आगे वाला पार्ट चाहिए तो उतने से काम चल जाएगा, तो वाटर मार्क तो बहुत इजिली रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर मैं पेन टूल का यूज कर रहा हूँ कि थोड़ी एक्यूरेसी चाहिए, यहाँ पर थोड़ी सी शार्प चाहिए, और यहाँ पर फेस बिल्कुल परफेक्टली मैच हो गया बॉडी के हिसाब से। तो अब बारी है यहाँ पर कॉस्ट्यूम पहनाने की। तो यहाँ पर अलग अलग इमेजेस में से जो कि आपको गूगल पर इजीली मिल जाएगी, लेदर अगर आप सर्च करेंगे, लेदर ड्रेसेस, लेदर जैकेट्स, तो वैसा कुछ हम बनाने वाले हैं, और वही यहाँ पर मैं वॉर्प टूल का यूज करके बिल्कुल बॉडी के अकॉर्डिंग फिट कर रहा हूँ। तो देखने में तो इजी लग रहा है, लेकिन इजी नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे अलग अलग पार्ट्स का यूज हुआ है, और उसको कलर मैच करना और ऐसा दिखाना कि एक ही कॉस्ट्यूम है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन मजेदार। इसको मैं इसके हिसाब से कॉपी करके उसी तरफ लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं पपेट टूल का यूज कर रहा हूँ ताकि अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाऊँ। जैसे कि मैंने बताया कि पीछे वाला हाथ है, इस पर ज्यादा इतना ध्यान जाएगा नहीं, बट फिर भी हमें बनाना तो पड़ेगा ही। मतलब फोटोशॉप में ज्यादातर चीजें पॉसिबल है, अगर आपको लगता है कि चीजें नहीं हो सकती तो उसके लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, तो जाके आप वहां पर सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं शोल्डर की पहले आउटलाइन बना रहा हूँ ताकि मेरे को पता रहे उसका एग्जैक्ट शोल्डर कहाँ पर है, उसको मैं इजिली ट्रेस कर पाऊँ और उसी के हिसाब से हमारा जो टेक्सचर है उसको प्लेस कर पाऊँ। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो टेक्सचर बाहर आ रहा है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और अकॉर्डिंग टू हमारे आर्म की पोजीशन और जो कपड़े का टेक्सचर है उसको मैच करना पड़ेगा ताकि वो जो रिंकल्स आ रहे हैं वो एग्जैक्ट पोजीशन में आए, अजीब सा ना लगे। तो यहाँ पर जो मास्क है वो मैं यहाँ पर पेन टूल से ड्रॉ करके बना रहा हूँ, तो मैं कहीं से मास्क उठा के कट करके लगाने वाला नहीं हूँ, यहाँ पर मैं पेन टूल का यूज करके मास्क को बनाने वाला हूँ। तो ये जो मास्क आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने रेफरेंस इमेज को फोन में देखते हुए इसको बनाया है प्रॉपर तरीके से ताकि एग्जैक्ट जो क्रिश वाला मास्क है वैसा बने, लेकिन इसके ऊपर हम टेक्सचर वगैरह डाल के इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बना देंगे। अभी तो जैसा आप देख रहे हैं अभी नॉन रियलिस्टिक लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन इस पर जैसे हम टेक्सचर वगैरह डालेंगे, ग्लॉस डालेंगे, आई के अंदर हम ये डार्कनेस डाल रहे हैं, जैसे कि कोई भी सुपर हीरो पहनते हुए मास्क लगाता है ताकि आपके अंदर की स्किन ना दिखे। तो सुपर हीरो बनने के लिए काफी चीजों की जरूरत है, सबसे ज्यादा स्पेशल है काजल, क्योंकि मास्क के अंदर काजल लगाना जरूरी है, कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम तो आप पहन ही लोगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पूरी बॉडी के ऊपर ही लेदर के जैकेट वगैरह का टुकड़े टुकड़े लगा के पूरी कॉस्ट्यूम बना डाली है। जो फीट है उसके ऊपर एक चेन आ रही है, हालांकि उसको हम छुपा देंगे केप की हेल्प से। तो बैकग्राउंड जो बनाया है मैंने काफी सारी इमेजेस से बनाया है, मतलब ज्यादा इतनी इमेजेस का यूज नहीं किया क्योंकि बैकग्राउंड में इतना हमें कुछ दिखाना नहीं है। ऑलरेडी मेरे को डिस्ट्रॉयड सिटी जैसा कुछ मिल गया था, 2TV रोड दिखा दी क्योंकि वो लैंड किया है, थोड़ा सा घिसड़ते हुए आ रहा है, तो इस तरह का कुछ इंपैक्ट पड़ा है, तो रोड वगैरह थोड़ी सी क्रैक हो गई है। और आई गेस इस मूवी के अंदर जो विलन होने वाले हैं वो सुनील शेट्टी हैं, क्योंकि इन्होंने धरती तोड़ दी है और धरती उनकी माँ है। खैर, तो घटिया जोक्स को हटाते हुए जो हमारी फाइनल इमेज है वो कुछ ऐसी दिख रही है। तो इसका एक मूवी पोस्टर वाला वर्जन भी है जो कि ऐसा दिख रहा है। अगर आप भी इसी तरह की एडिटिंग वगैरह सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे वेबसाइट का लिंक है, जहां पे आपको कोर्सेस मिल जाएंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो आई होप गाइस ये वाला पोस्टर आप लोगों को पसंद आया हो, तो कमेंट में मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं और मैं उस पर जरूर काम करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो भी एडिटर है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।